दादी मेरे साथ इस डिजिटल यात्रा में हमारे इस परिवार के सदस्य मिले हुए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, और जानना चाहते हैं कि ये कब का यात्रा पर आए हैं, कितने टाइम से ट्रेन राइडर को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो आपका जय माता दी स्वागत है। जय माता दी। और हाँ बताइए। मैं ट्रेन राइडर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मेरी इच्छा थी सर से मिलने की, माता रानी के आशीर्वाद से आज सर से मिला हूँ मैं। चलिए जय माता दी। आज ही रिटर्न जाना है आपको? जी सर, आज ही रिटर्न जाना है, मैं आज ही आया हूँ और आज ही रिटर्न जाना है। जय माता दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो में हम आप सबको माता रानी के दर्शन के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट जानकारियां शेयर करने वाले हैं। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करने वाले हैं तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें आप सबको माता रानी की यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाए और आपकी यात्रा सुंदर व आरामदायक हो पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार से जुड़ जाएं। अगर आपकी और हमारी पहली मुलाकात है तो इस मुलाकात को बरकरार रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ और भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी भक्त जो माता रानी की यात्रा पर जाना चाहते हैं और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन सारी नॉलेज हो जाए और उनकी यात्रा सुंदर व आरामदायक हो पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोविड टेस्ट की। देखिए श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करने के लिए अभी भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपने वैक्सीन की सिंगल डोज ली है या फिर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आपको आपका अपना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR या फिर रैपिड रिपोर्ट लेकर आना होगा, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक नया बदलाव यही किया गया है कि टाइमिंग को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। यानी अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो वैक्सीन की दोनों डोज लाइए, फिर तो कोई भी कोविड टेस्ट नहीं होगा, या तो फिर आप अपना रैपिड या RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस अपने घर से आप रिपोर्ट नहीं लेकर आते हैं तो आपका टेस्ट यहाँ पर जम्मू स्टेशन एज वेल एज कटरा रेलवे स्टेशन एज वेल एज उधमपुर रेलवे स्टेशन पर हो जाएगा। यानी तीनों स्टेशन पर टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आप यहां पर आकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। नॉर्मली एक से आधे घंटे में आपका टेस्ट होके आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, डेमो भी दिखाया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां पर जाकर भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं बच्चों के टेस्ट की। देखिए जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनका ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं उनका कोई भी कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है, वो आसानी से यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रा सभी के लिए चालू है, यात्रा बड़े भी कर रहे हैं, यात्रा बुजुर्ग भी कर रहे हैं, यानी जो माता रानी की पवित्र यात्रा है वो हर व्यक्ति कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया यात्रा पर। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं मौसम से रिलेटेड जानकारियों की। देखिए अगर आप आगामी दिनों में 10 दिन के अंदर माँ भगवती की यात्रा करने वाले हैं तो फिलहाल वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन हाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सुबह शाम में आपको काफ़ी ठंड जो है वो भवन पर देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने साथ आप गर्म कपड़ा जैकेट लेकर आइए, अपने साथ कैप लेकर आइए विंटर की, जिससे आप पूरी तरीके से बचे रहेंगे ठंड से और आपको किसी प्रकार से कोई ठंड का आसार देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अपने साथ लेकर आएंगे ठंड नहीं लगेगा तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लेकर आते हैं और ठंड लगेगा तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने साथ पूरा का पूरा गर्म कपड़े का मैनेजमेंट बनाकर यात्रा की शुरुआत करें। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनका काफ़ी ध्यानपूर्वक पैकिंग करें, उनके लिए जो भी ज़रूरत के सामान है उसे आप रख लें, क्योंकि यहाँ पर यात्रा पूरी तरीके से सभी भक्तों के लिए चल रही है। पढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं यात्रा से जुड़ी अपडेट जानकारियों की। फिलहाल देखिए यात्रा में जो भी सुविधाएँ हैं, चाहे वो बैटरी कार हो, रोपवे हो, हेलीकॉप्टर हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएँ हो, रूम्स की सुविधाएँ हो, भोजनालय हो, ये सभी प्रकार की सुविधाएँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सभी भक्तों को मिल रहा है। किसी प्रकार से
कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए हेलीकॉप्टर की जो सुविधा होती है वो पूरी तरीके से वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वेदर अच्छा होता है तो हेलीकॉप्टर चलता है, अन्यथा हेलीकॉप्टर को नहीं चलाया जाता है। अगर वेदर थोड़ा सा भी खराब होता है और उस केस में जो भी भक्तों का बुकिंग होता है उनका पैसा वापस से उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। तो आपको किसी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है, यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले आप सबको माता रानी के पवित्र दर्शन कराते हैं। आप सब हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें हमें तीन महादेवियों के दर्शन होते हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती। इन तीनों पिंडियों के दर्शन करने के बाद हमारे मन में बस यही जिज्ञासा होती है कि माता रानी हमें दोबारा से अपने दरबार बुलाती रहे और या तो हमें इस दरबार में ही अपना सेवक बनाकर रख ले। आप सब हाथ जोड़कर ऐसे पवित्र पावन दर्शन इस चैनल के जरिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन से रिलेटेड कुछ जानकारियों की। देखिए फिलहाल माता रानी की यात्रा पर जो दर्शन होते हैं वो 24 घंटे चलते रहते हैं। दर्शन सिर्फ 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए बंद होता है, जब माता रानी की सुबह के आरती होते हैं और जब माता रानी के शाम के आरती होते हैं। आरती होने से आधा घंटा पहले दर्शन बंद होता है। आरती की शुरुआत 6:20 पर होती है मॉर्निंग में भी, और इवनिंग में भी 6:20 के अप्रॉक्स में आरती शुरू होती है। उसके आधा घंटा पहले यानी 5:30 बजे तक दर्शन को रोक दिया जाता है। यानी अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आरती से पहले दर्शन कर लें या फिर आप आरती खत्म होने के 1-2 घंटे बाद दर्शन करें, तब आपको दर्शन बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से मिल जाते हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप शाम या सुबह में 5:30 बजे तक गेट नंबर 5 के पास पहुंच सकते हैं और वहां पर आप माता रानी की पवित्र आरती में शामिल भी हो सकते हैं। अपने आप में ये सुनहरा अवसर उन सभी भक्तों को मिल पाता है जो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो भाग्य वाले हैं। उनके भाग्य में माता रानी ने उस आरती का सौभाग्य लिख दिया है। वैसे आप सब मुझे कॉमेंट करके ये बताइएगा जरूर कि आपको हमारी ये प्यारी प्यारी वीडियो कैसी लगती है, साथ ही साथ आप माँ भगवती की पवित्र पावन यात्रा कब करने वाले। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अब कटरा शहर की। देखिए फिलहाल कटरा में हर प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं, कटरा में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चलने के कारण भक्तों को अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। बसेस की सुविधाएं भी मिल रही हैं जम्मू से कटरा, साथ ही साथ सारे दुकानें खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ढाबा खुले हुए हैं, यानी किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत अब यात्रा में नहीं है और कटरा शहर फिर से जगमगा उठा है जैसे वो पहला था। चलिए अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मैं यही आशा करूंगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आप सब तक शेयर की है, आशा करूंगा कि आगामी दिनों में उस जानकारी की मदद से आपकी यात्रा काफ़ी सुंदर व आरामदायक हो पाएगी। आशा करूंगा कि माता रानी आप सबको ऐसे ही दरबार जल्दी जल्दी बुलाती रहेंगी और आप सब आगामी दिनों में माता रानी की यात्रा पर जाने वाले होंगे। कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। जुड़े रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल जानकारियों के लिए ट्रेन राइडर से। फॉलो करते रहिए हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर माता रानी की यात्रा जुड़ी लेटेस्ट जानकारियों के लिए, रील्स के लिए, साथ ही साथ माता रानी के शॉर्ट्स वीडियोस के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी ये भक्ता देना चिंता किस कर दी। माता रानी ये भक्ता देना चिंता किस कर दी। होशे रोमानी ये